हे गाइस, क्या हाल चाल, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है मंजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पॉपुलर डॉग ब्रीड की इस सीरीज में आज जो ब्रीड मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो काफी फेमस ब्रीड है। आप लोगों को ऑलरेडी पता तो चली गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पिटबुल के बारे में। गाइस, कल की जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो भी पिटबुल के ऊपर ही थी, बट वो मेल था और ये फीमेल है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, प्राइस इसका भी काफी कम है। तो अगर आप लोग डॉग लवर हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर आई गए हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा लें, जिससे आप लोगों को मेरी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ऐसे लो प्राइस में काफी अच्छी क्वालिटी के डॉग्स और फ्री डॉल्फिन की वीडियोस लाता रहता हूं, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी वीडियो को मिस करें। फ्रेंड्स, वैसे तो पिटबुल के बारे में काफी अफवाह है कि ये काफी अग्रेसिव होते हैं और अपनी फैमिली और अपने ओनर तक को भी काट लेते हैं वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पिटबुल ब्रीड अपनी फैमिली के लिए काफी लॉयल और काफी फ्रेंडली होती है गाइस। हाँ, बट ये दूसरे डॉग्स या एनिमल्स पर अटैक कर देते हैं, बट उससे बचने के लिए आप लोगों को इसे बचपन से ही सोशलाइज करना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पिटबुल को सिर्फ फाइट के लिए यूज करते हैं। इन डॉग्स की फाइट तब तक होती रहती है जब तक इनमें से कोई एक मर ना जाए। और पिटबुल ब्रीड के वही डॉग अग्रेसिव होते हैं जिन्हें फाइट के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यार उन्हें सोशलाइज नहीं किया जाता कभी दूसरे लोगों के साथ या दूसरे जानवरों के साथ। उन्हें हमेशा स्टार्टिंग से ही फाइट के लिए रेडी किया जाता है, तो अग्रेसिव होना उनका लाजमी होता है। तो उसकी वजह से ही सोचते हैं कि पिटबुल ब्रीड जो है वो काफी अग्रेसिव है। जिन लोगों के पास पिटबुल है या जिन्होंने कभी पिटबुल पाला है तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि ये कितने फ्रेंडली और कितने लॉयल होते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी गार्ड डॉग लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग पिटबुल को अपने ऑप्शन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पिटबुल ब्रीड जो होती है काफी अच्छी गार्ड डॉग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, इसकी एज, लोकेशन और प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज के बारे में। इसकी जो एज है वो है 6 मंथ 19 डेज ओल्ड, और इसकी जो लोकेशन है वो है हरियाणा जींद से। अगर आप लोग जींद के आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। डिलीवरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप लोग इसे डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हैं तो आप लोग डायरेक्ट ओनर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनर का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो इसे परचेज करने से पहले ओनर से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप लोग इसे परचेज करें। और दोस्तों, मेरे पास काफी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि हरियाणा के लिए कोई डॉग लेके आओ, तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पेशल हो सकती है जो हरियाणा के लिए डॉग्स की डिमांड कर रहे थे। और प्राइस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बता दूं, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को इसका प्राइस कैसा लगा। तो गाइस, पहली बात ये है कि ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और सेकंड जो है इसके जो ईयर है वो क्रॉप्ड है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी प्राइस के बारे में। तो गाइस, ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 8,000 रुपए। तो अब आप लोग मुझे जरूर बताना कि क्वालिटी के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से आप लोगों को इसका प्राइस कैसा लगा। और गाइस, अगर आप लोगों के पास कोई भी डॉग है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।